2020 में किया लेके आया था अपना कार्निवल, विच इज देयर प्रीमियम एमपीवी, द लग्जरी एमपीवी फॉर इंडिया. द कार सोल्ड इन बिग नंबर्स, काफ़ी सारे इसके बायर्स हैं, बायर्स थे, और काफ़ी सारा इसका एक बड़ा फैन बेस बन चुका है. अब 2024 में किया लेके आया है द लेटेस्ट जनरेशन, देयर ग्लोबली अपडेटेड किया कार्निवल. ये आपको इंडिया में मिलेगी सिर्फ एक टॉप एंड लिमोजिन प्लस ट्रिम में. ये है हमारे साथ एंड हम इसको आज जानेंगे, इसको पहचानेंगे, इससे हम दोस्ती करेंगे. आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ. इसके पहले कि हम किया कार्निवल से दोस्ती करें, मैं आपको बता दूं कि जो कार्निवल का आउटगोइंग मॉडल है और जो इसका इनकमिंग मॉडल है, इसमें डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स. लेकिन डायमेंशंस की बात करें तो जो नया कार्निवल है इसका ओवरऑल व्हील बेस जो है, अगर आप देखें तो ये बड़ा है बाई 30 mm. जो इस गाड़ी का एक लेंथ है वो बड़ा है बाई 40 mm. द कार का जो हाइट है वो बड़ा है बाय 10 mm विद रूफ रेल्स, और जो गाड़ी का विड्थ है वो बड़ा है बाय 20 mm. तो गाड़ी चौड़ी है, लंबी है, ऊंची है, विच मीन्स कि आपका जो कैबिन का स्पेस जो पहले ही काफ़ी सारा था वो अब आपको ज़्यादा मिलेगा, जो रोड प्रेजेंस पहले से ही सारा था वो आपको ज़्यादा मिलेगा. किया कार्निवल का वॉक अराउंड रिव्यू हमने करा था एट द लॉन्च, लेकिन जिन्होंने वो नहीं देखा है हमारा वीडियो, मैं आपको एक ब्रीफ एक एक्सटीरियर का आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ. आपका जो एक डार्क क्रोम का जो एक थीम चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, उसको काफ़ी सारा यूज़ किया हुआ है. तो आपको यहाँ पे इंसर्ट मिल जाते हैं चिकलेट वाले जो डार्क क्रोम में है, ब्लैक का इंसर्ट्स है यहाँ पे, यहाँ पे जो DRLs है ये कंटिन्यू होते हैं यहाँ तक और ये एक्सटेंड होते हैं यहाँ तक. आपको मल्टी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं 4, ये यहाँ पे अगेन इन्फ्यूज़ किए हुए हैं इनटू द बम्पर ओवर हियर. अगेन जो डार्क क्रोम के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके फॉग किट प्लेट पे यूज़ किए हुए हैं. ये इसका फॉग लैम्प अगेन वाइट LED में है, डार्क क्रोम काफ़ी सारा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसके. किया के फैमिली फेस में, फैमिली ग्रिल में काफ़ी वाइड है ये गाड़ी, दिस इज़ वेरी वाइड. एंड किया का जो नया एज एक न्यू लोगो है वो आपको यहाँ मिलेगा मेटल के फिनिश में. द कार लुक्स वेरी चंकी, काफ़ी सारा रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी का. एयर डैम्स आर ओवर हियर एंड यू हैव दिस ब्लैक, और जो बॉडी कलर है उसका एक यूज़ किया हुआ है. कार लुक्स वेरी चंकी फ्रॉम द फ्रंट. काफ़ी सारा आपको स्पेस मिल जाता है, एक लेंथ मिल जाता है साइड प्रोफाइल में. आपको R18 के व्हील्स मिल जाते हैं, यू गेट दिस नाइस ड्यूअल टोन वाले एलॉय व्हील्स. यहाँ पे आपको एक फ्लैट यहाँ पे फेंडर मिल जाता है. कैरेक्टर लाइंस जो है वो यहाँ पे एक ड्यूअल लेवल में, ड्यूअल स्टाइल में यहाँ पे रन करते हैं. साइड में आपको एक शार्प यहाँ पे वेस्ट लाइन मिल जाता है जो रन करता है कम्प्लीट अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कार. डोर हैंडल्स भी इसके काफ़ी चंकी हैं, अगेन यहाँ पे भी मेटल का, एल्यूमिनियम का यूज़ किया हुआ है. ड्यूअल टोन कलर में आपको विंग मिरर्स मिलते हैं जो कि डोर माउंटेड है. इसका जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी मैसिव है, दिस नाइस क्वार्टर ग्लास ओवर हियर, यू हैव दिस नाइस ग्लास, एक वन पीस ग्लास और एक फिक्स्ड क्वार्टर ग्लास जो है वो यहाँ पे मिल जाता है. की एक हाईलाइट है यहाँ पे जो एल्यूमिनियम फिनिश का एक यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है चंकी में, काफ़ी बड़ा है ये और एक काफ़ी एक आई ग्रैबिंग है, अटेंशन ग्रैबिंग है. यहाँ पे रूफ रेल्स है यहाँ पे अगेन मेटल फिनिश से के साथ में जो कि गाड़ी की हाइट बढ़ा देते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू क्लाइम इन यू हैव दिस प्रैक्टिकल जो एक स्टेप बोर्ड है ये यहाँ पे दिया हुआ है, और डोर खोलने का जो सिलसिला है जस्ट नीड टू पुल दिस डोर एंड इलेक्ट्रिकली ये डोर यहाँ पे स्लाइड हो जाता है. ये की USP है ऑफ द कार्निवल, ऑलवेज हैज बीन, और डोर बंद करने के लिए जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन ओवर हियर एंड इलेक्ट्रिकली अगेन द डोर क्लोजेस. जो डोर का ट्रैवल का जो एक यहाँ पे एक ब्रिज है, जो एक वे है वो यहाँ पे है, दिस इज़ वॉट इट स्लाइड्स आउट. अगर आप यहाँ पे देखें, पीछे देखें, तो अगेन जो किया का फैमिली एक सेल्टॉस में, सोनेट में आपने देखा हुआ है, जो एक करंट एक स्टाइलिंग है वो आपको मिलता है. कनेक्टेड जो स्टॉप लैम्प है वो डिज़ाइन वाला LED स्टॉप लैम्प है ये, जो रन करता है अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कार. बड़ा ग्लास एरिया है, काफ़ी चंकी है. एवरीथिंग ऑन दिस कार इज ह्यूज एंड मैसिव. अगेन मेटल के इंसर्ट्स है यहाँ पे जो एक प्रीमियम टच देता है, प्रीमियम फिनिश देता है. स्पॉयलर्स आर अगेन चंकी ओवर हियर, जो एक इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है यहाँ पे, स्टॉप लैम्प दिया हुआ है, और जो पीछे का ग्लास को एक क्लीन एक लुक देता है वो इसका वाइपर जो यहाँ पे अंदर छुपाया हुआ है. तो ये ग्लास एरिया इज क्लीन, देर इज़ नो वाइपर का डंडी या स्टिक ओवर हियर या फिर वॉशर, ये सब कुछ इंटीग्रेट किया हुआ है.
लिमोजिन प्लस जो इसका एक टॉप एंड ट्रिम है वो आपको बैजिंग यहाँ मिल जाता है एक ही ट्रिम में। द कार इज़ अवेलेबल, लेट मी अगेन यू नो लेट यू नो कार्निवल का ब्रांडिंग अगेन इन मेटल के यहाँ पे आपको फॉस किट प्लेट मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिल जाता है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इट। रूफ की बात करें तो आपको एक चंकी शार्क फिन एंटेना दे रहे हैं ये, और आपको ड्यूअल नॉट वन आपको ड्यूअल ओपनिंग इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है ऑन द न्यू कार्निवल। इसके नए ज़माने के की फॉब से अगर आप समझते हो कि आपके सेल्टॉस और सोनेट में की फॉब जो था वो नया है, लेकिन उससे भी एक नया की फॉब है जो उनके ग्लोबल मॉडल पे आता है, कार्निवल पे आता है, वो है कुछ ऐसा। तो किया का ब्रांडिंग मिल जाता है यहाँ पे, आपको मेटल मिल जाता है, किया का यहाँ पे लोगो है जो ग्लो करता है। अगर आपने ये दबाया तो दिस ग्लो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपका जो एक इंजन स्टार्ट करने का बटन है, रिमोट स्टार्ट, वो मिल जाता है। डोर जो स्लाइडिंग खुलते हैं वो यहाँ पे है। बूट खोलने का और अनलॉक करने का, लॉक करने का जो एक बटन है वो यहाँ पे। सो दिस इज़ द न्यू की फॉब। मेरे को जो पसंद है वो है इसका डोर खोलने का सिलसिला, मैंने ये बटन दबा दिया एंड द बटन द डोर ओपन्स ऑटोमेटिकली समथिंग लाइक दिस रिमोटली। तो ये एक की यूएसपी है, स्लाइडिंग डोर्स ऑन द किया कार्निवल। अगर न्यू किया कार्निवल के इंजन की बात करें, इसके दिल की बात करें, तो आपको फर्स्ट थिंग आपको गैस सपोर्ट जो हाइड्रोलिक वाले आपको यहाँ पे एक ओपनर मिल जाता है ऑन द बोनेट, तो विच मेक्स लाइफ इजियर। इंजन जो है इसका ये है 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, आपको सिर्फ डीजल में ही मिलता है द न्यू कार्निवल। ये इंजन बनाता है 191 BHP ऑफ पावर, इसमें आपको 450 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर बात करें ऑफ द ट्रांसमिशन तो आपको 8-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल रहा है इसमें। किया कार्निवल इंपोर्ट होती है इंडिया में, सम पार्ट्स कम फ्रॉम वियतनाम, सम पार्ट्स कम फ्रॉम कोरिया। जो इसका इंजन है, जो इसका मेन जो इंजन अपडेट हुआ हुआ है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, रिफाइनमेंट का लेवल अप हुआ हुआ है, ये इंपोर्ट होता है फ्रॉम कोरिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो CKD में ये इंपोर्ट होती है और ये असेंबल होती है एट देयर प्लांट इन आंध्र प्रदेश। न्यू कार्निवल का जो यूएसपी है वो पहले कार्निवल का ही है, जो कि है मिडिल रो सीट कंफर्ट, जो कि एक बॉस सीट है, जो कि एक एयरक्राफ्ट का बिजनेस क्लास वाला सीट है। इसको डोर खोलने के लिए हमने स्लाइड कर दिया, स्लाइड करते ही एक काफ़ी वाइड ओपनिंग, इलेक्ट्रिकली ओपनिंग आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है डोर का जो अपर्चर है वो, और स्टेप इन करने के लिए ये स्टेप बोर्ड तो है यहाँ पे एंड यू कैन जस्ट कम इनटू द कैबिन मिडिल रो में। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम सीट बेल्ट लगा लेंगे। माइक ओवर हियर, दिस इज द बॉस सीट। इनफैक्ट दोनों सीट में आपको बॉस सीट का जो एक फीचर है वो मिलता है, लेकिन इस सीट में अगर आपको लेग रूम बढ़ाना है आपका, तो यहाँ पे आपको बॉस सीट का बटन मिल जाता है। आई कैन जस्ट इंक्रीज माई लेग रूम एंड आई कैन ऑल्सो इंक्रीज माई लेग रूम समथिंग लाइक दिस। ये मैं चले गया पीछे एंड जो इसका खासियत है वो है यहाँ पे ये बटन मैंने दबा दिया एंड आई एम इन द लैप ऑफ लग्जरी, जो कि कार्निवल का एक की यूएसपी है। एंड ये मैंने सनरूफ जो मेरा वाला है उसको ओपन कर दिया। यहाँ पे जो कंट्रोल बटन है, आई कैन इंक्रीज माय रिक्लाइन एंगल, ये बन गया मेरा बेड एंड आई एम गुड फॉर द लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी, एकदम कंफर्ट में, एकदम लैप ऑफ लग्जरी में। अगर मैं इसको, अगर आई कम बैक टू माई पोजिशन टू कंटिन्यू द रिव्यू, जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन ओवर हियर एंड आई कम बैक फ्रॉम माई बिजनेस क्लास वाला जो एंगल है उससे टू माई नॉर्मल एंगल लाइक दिस। ये मैंने आर्मरेस्ट नीचे कर दिया, आई हैव सन वाइजर्स ओवर हियर, एसी का जो वेंट्स है वो आपको यहाँ मिलता है, पीछे का क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे है, तो आपको 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल दे रहे हैं, ये मिडिल रो के लिए है। वाइट LED लाइट्स है, ग्लास एरिया जो है सनरूफ है वो है यहाँ पे, जो खुलता है कुछ ऐसे, तो आगे का सनरूफ खुलता है, पीछे का भी खुल जाता है। आर्मरेस्ट इन प्लेस ओवर हियर, ये यहाँ पे मेरे को एक मस्त, एक वेरी नाइस हेडरेस्ट मिल रहा है। आई हैव सीट कूलिंग, आई हैव सीट हीटिंग ऑल्सो, ये ऐसे। डोर खोलने का जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। आई हैव पावर आउटलेट ओवर हियर, आई हैव USB के C पोर्ट ओवर हियर, बॉस कंट्रोल्स ओवर हियर, मैप पॉकेट ओवर हियर।
सो मेरे पास सारे दुनिया जहाँ के यू नो दुनिया भर के जो सुख सुविधा है, जो एक कंफर्ट का मामला है वो है, आई कैन कंटिन्यू माय वर्क और आई कैन गो ऑफ टू स्लीप बिकॉज आई एम द बॉस। अगर इंटीरियर की बात करें ऑन द न्यू किया कार्निवल, तो आपको एक काफ़ी स्पेशियस कैबिन मिल रहा है मिडिल रो के बाद में, जो ड्राइवर सीट का जो कंफर्ट है, जो इसका यहाँ का एक सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी कमांडिंग है। यू आर सिटिंग एट अ गुड हाइट, जो रोड का विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। यू हैव अ बिग विंडशील्ड, अ बिग यू नो जनरस कैबिन स्पेस, जो कि यू नो विच विल गिव यू लॉट ऑफ प्रीमियम फील। एक डार्क कलर का आपको डैशबोर्ड दे रहे हैं, यहाँ पे मेटल के इंसर्ट्स हैं, यहाँ पे 12.3 इंचेस के आपके दो स्क्रीन है, जो एक कर्व्ड एंगल पे इसको एक कंबाइन किया हुआ है, इसको मेड करके दिस नाइस कर्व्ड डिस्प्ले, ABN सिस्टम एंड द ड्राइवर डिस्प्ले। काफ़ी सारे आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, यू हैव ऑल द फीचर्स दैट यू नीड। इसके साथ में आपका जो वॉइस कमांड है, वॉइस कंट्रोल है, वो भी दे रहे हैं। ये आपको 10 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस का ये एक्सेस है। आपको अगर सनरूफ खोलना है, आपको AC का टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, आपको रेडियो का अगर चैनल चेंज करना है, वो भी आपको यहाँ मतलब वॉइस कमांड से आपको मिल जाता है। इसके साथ में स्टेयरिंग की बात करें तो आपको लेदर का रैप मिलता है, मेटल के इंसर्ट्स विद ग्लॉसी ब्लैक ओवर ईयर। आपको हाइट का एडजस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, यू गेट पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो। इसके साथ में अगर आप देखें तो यू हैव योर सेंटर कंसोल, जो सेंटर कंसोल जो एक सेंटर का एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल मॉड्यूल है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ड्यूअल टाइप है, ड्यूअल डिस्प्ले है। अभी ये आपके क्लाइमेट कंट्रोल दिखा रहा है, एंड इफ़ आई नीड टू गो इनटू माय ऑडियो कंट्रोल तो आई जस्ट नीड टू प्रेस दिस एंड ये आ गया आपका ऑडियो कंट्रोल। तो ये 2-in-1 वाला डिस्प्ले है। इसमें आपका जो मोबाइल का चार्जिंग का जो डॉक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वायरलेस चार्जिंग का। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, एक काफ़ी चंकी काफ़ी बड़ा आपको सेंटर कंसोल दे रहे हैं यहाँ पे, बॉटल होल्डर्स है यहाँ पे। आपको शिफ्ट बाय वायर का जो एक डायल है ड्राइव का, वो आपको यहाँ मिलता है, अगेन नाइस मेटल एल्यूमिनियम का फिनिश में। इलेक्ट्रो मैकेनिकल आपको हैंड ब्रेक दे रहे हैं यहाँ पे, ड्राइव मोड्स के आपको ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, आपको नॉर्मल, आपको स्पोर्ट, आपको स्मार्ट एंड आपको इको मोड मिल जाता है। आपको ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं। इसके साथ में जो सनरूफ खोलने का जो बटन है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है, ये आपके रीडिंग लाइट्स और जो कैबिन लाइट्स है उसके बटन्स हैं यहाँ पे, और जो आपका SOS का बटन है जो जाएगा हेल्पलाइन में इन केस कि आपका एक्सीडेंट हो गया या यू नीड सम अर्जेंट हेल्प, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और जो किया कनेक्ट का बटन है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। सीट में आपको आगे भी कूलिंग मिल रहा है और हीटिंग मिल रहा है, लाइक दिस, ये हीटिंग कर दो या कूलिंग कर लो। आपका जो पार्कट्रॉनिक्स है, यू कैन स्विच इट ऑन एंड ऑफ। और ये आपका जो सराउंड कैमरा है उसका डिस्प्ले है यहाँ पे, तो विच इज़ वेरी नीट एंड एक काफ़ी एक इंटूटिव ये एक इसका एक सूट है यहाँ पे, विच गिव्स यू लेफ्ट, विच गिव्स यू राइट, विच गिव्स यू टॉप व्यू एंड यू कैन ऑल्सो टॉगल इट मैन्युअली अगर आप चाहते हैं तो यू हैव लोड्स ऑफ फीचर्स कमिंग इन टू द न्यू कार्निवल। सेंटर में आपको आमरेस दे रहे हैं यहाँ पे, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, अगेन नाइस कभी स्टोरेज स्पेस ओवर ईयर। ड्राइवर सीट में आपको फुल इलेक्ट्रिक एडजस्ट मिल जाता है फॉर द रीच, फॉर द एंगल, फॉर द हाइट एंड फॉर द लंबर सपोर्ट। जो सीट है फॉर द पैसेंजर, इसमें भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट दे रहे हैं ये। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो आपके स्लाइडिंग डोर्स जो खोलने हैं उसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है राइट का, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस ये खुलता है कुछ ऐसे, एंड फॉर द लेफ्ट ऑल्सो। तो अगर आपका आपके गाड़ी में आपका ड्राइवर है एंड ही नीड्स टू ओपन द रेयर डोर, उसको उतरने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन ओवर हियर। पावर डोर को ऑफ करने के लिए अगर आपको ऑफ करना है तो यू कैन इवन डू दैट। और बूट खोलने का जो बटन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको 12 स्पीकर वाला प्रीमियम बोस का साउंड सिस्टम दे रहे हैं ये। इसका जो साउंड है वो काफ़ी रिच है, इसके सेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दिस इज़ अ प्रीमियम साउंड सिस्टम, 12 स्पीकर्स, बड़ी गाड़ी है तो हर एक डोर के पैनल में आपको स्पीकर मिल जाएगा। आपका एक सेंटर स्पीकर भी है यहाँ पे विच इज़ फ्रॉम बोस। न्यू किया कार्निवल के कंफर्ट को एनहांस करने के लिए, आपके ड्राइवर कंफर्ट को एनहांस करने के लिए, जो इसका लाइट का सेटिंग है, आपका वन टच जो वन टैप इंडिकेटर है उसमें आपको कितने फ्लैशेस चाहिए, यू कैन सेट दैट फ्रॉम 3, 5, 2, 7, तो आपको कितने फ्लैश चाहिए वो आप यहाँ सेट कर दो। इसके बाद में अगर आपने डोर्स में गए तो जो आपका ऑटोमेटिक टेलगेट है, जो आपका बूट ओपनर है, वो आपको फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए, मतलब नॉर्मल चाहिए ओपनिंग उसका, क्लोजिंग चाहिए, वो आप यहाँ सेट कर लो।
इसके बाद में अगर आपने देखा तो यू हैव लोड्स ऑफ दिस थिंग योर सेटिंग्स, मोबाइल चार्जिंग का आपका जो इंडिकेटर है वो आपको टाइप 1 चाहिए, टाइप 2 चाहिए, यू कैन इवन सेट दैट, ऑटो रेयर रिवर्स वाइपर जो है वो आप सेट कर लो, ऑटो को कर दो या फिर मैनुअल पे कर लो. यू हैव लोड्स ऑफ सेटिंग्स अवेलेबल, आपका जो ड्राइवर असिस्टेंस है वो जो एडास के फीचर्स है उसका सेटिंग भी यहाँ पे है. तो काफ़ी सारे आपके जो कंफर्ट फीचर्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है एंड यू कैन कस्टमाइज इट एज़ पर योर कम्फर्ट. थर्ड रो में जाने के लिए किया कार्निवल का आपको जो मिडिल रो सीट है जो लेफ्ट राइट भी स्लाइड होता है, ये बटन यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे स्लाइड कर दिया, इसको ऊपर कर दिया एंड आई जस्ट गो इनसाइड द कैबिन. यहाँ पे बीच में मेरे को जगह मिल रहा है सो आई कैन जस्ट वॉक इनटू द थर्ड रो समथिंग लाइक दिस. ये मैं आ गया थर्ड रो में, जस्ट नीड टू इंक्रीज द हेडरेस्ट, ऊपर ले लिया मैंने एंड यहाँ पे मेरे पास बॉटल होल्डर्स है, आई हैव दिस नाइस सन वाइजर ओवर हियर, रीडिंग लाइट्स है, एसी का जो वेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है. ये है इसका हेडरूम एंड सिटिंग का जो पोजीशन है, सीट का जो साइज़ है वो काफ़ी कंफर्टिंग है. सो थर्ड रो के मामले में भी यू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. यूएसबी का सी का चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे. काफ़ी बड़ी गाड़ी है किया कार्निवल, काफ़ी बड़ी गाड़ी का एक बड़ा बूट होना चाहिए. कार्निवल यूज़ होगा फॉर इंटरसिटी इंटरस्टेट जर्नीज. बूट खोलने के लिए आपको की फॉर्म में बटन मिल जाता है, बटन दबाते ही द बूट ओपन्स इलेक्ट्रिकली समथिंग लाइक दिस. आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है एक्चुअली विद द थ्री रोज ऑफ द सीट अप. 628 लीटर्स का ये बूट स्पेस है, काफ़ी डीप है, काफ़ी वाइड है. और अगर आपको ये अगर कम लगता है और अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ चार लोग हैं, यू नीड मोर बूट स्पेस, तो आपको सिर्फ ये सीट को यहाँ ऐसे करना है, नीड टू फोल्ड इट एंड पुश इट डाउन. इसको भी मैंने उठा लिया, टेक इट बैक एंड पुश इट डाउन. ये बन गया 2800 लीटर्स, 2800 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है विद ऑल लॉट ऑफ स्पेस, काफ़ी वाइड, काफ़ी आपके सारे बैग्स, आपका अगर आप हाउस मूव कर रहे हैं वो सामान आ जाएगा यहाँ पे. अगर सेफ्टी की बात करें ऑन द न्यू किया कार्निवल, तो आपको काफ़ी सारे सेफ्टी के फीचर्स दे रहे हैं. ये बड़ी गाड़ी का बड़ा सेफ्टी का एक सूट है. आपको इसमें 8 एयरबैग्स दे रहे हैं, इसके साथ में आपको एडास लेवल 2 का एक सेफ्टी सूट दे रहे हैं. इस एडास के सेफ्टी सूट में आपको यू गेट 23 ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स, जिसका जो रडार है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है और जो कैमरा है वो वहाँ प्लेस किया हुआ है. आपको 360 डिग्री सराउंड कैमरा दे रहे हैं ये. आपको लेन के असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है. यू हैव लोड्स ऑफ फीचर, पीछे भी आपको एक रडार मिलता है फॉर द रिवर्स क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट. अगर ड्राइव की बात करें न्यू किया कार्निवल के, इसको पावर करता है 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन. ये इंजन बनाता है 191 bhp ऑफ पावर, काफ़ी सारा पावर है और आपको 400 nm का टॉर्क मिल जाता है. इसके साथ में आपको 8 स्पीड दे रहे हैं ट्रांसमिशन, जो कि टॉर्क कन्वर्टर है ऑटोमेटिक. अगर आप पावर की बात करें तो पावर काफ़ी सारा है, काफ़ी सारा टॉर्क है. इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो इस गाड़ी का की USP है. कैबिन काफ़ी साइलेंट है, इंजन का आवाज़, टायर रोल का आवाज़ या रोड का नॉइज़ गाड़ी में नहीं आता, कैबिन के अंदर नहीं आता है. एडास के आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं. लेन की असिस्ट है आपको, ये देखिए ये है लेन की असिस्ट, ये मेरे को लेन में रख रहा है. ये कह रहा है कि स्टेयरिंग पकड़ो, कीप योर हैंड ऑन द स्टेयरिंग, यू हैव टू ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन द स्टेयरिंग, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन द एडास सेफ्टी फीचर्स. ये आपके ड्राइवर एड्स हैं, ये ड्राइविंग नहीं करेंगे, ये टेस्ला नहीं है. सो डोंट डू दैट, नेवर डू दैट, नॉट सेफ. बट कमिंग बैक, जो स्टेयरिंग का फीडबैक है वो भी काफ़ी एक कनेक्टेड वाला आपको फीडबैक मिल जाता है. ड्राइव के मोड्स है इस गाड़ी में. और अगर आप पावर डिलीवरी की बात करें तो एक ये जो गाड़ी है, इट ड्राइव अहेड, इट मूव्स अहेड लाइक अ लोकोमोटिव. काफ़ी दमदार इंजन है, गाड़ी भी बड़ी है, गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है. जो आपको पावर मिलता है वो आपको एक लीनियर फैशन में मिल जाता है. गाड़ी बड़ी है लेकिन जो इसका ड्राइव का जो एक की कैरेक्टर है वो काफ़ी इजी है. आपकी ये जो एक क्रेटा है, जो सेल्टॉस है, वैसे आपको फील होगा. यू डोंट फील कि आप एक बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो या आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है. यू कैन कीप ऑन ड्राइविंग वेरी इजीली. जो एक ड्राइवेबिलिटी का जो इसका की USP है, ये इन्होंने काफ़ी ईजी रखा हुआ है. दैट इज़ हाउ दिस कार ड्राइव्स. कट कर. किया
किया कार्निवल का यूज़ जो होगा वो इंटरसिटी इंटरस्टेट ट्रैवल का होगा ऑन हाईवेज, और यहाँ पे दिस इज़ वेयर द कार फील्स एट होम। हाई स्पीड ड्राइवेबिलिटी के लिए द कार फील्स वेरी प्लांटेड, जैसे आप जो जितना फास्ट जाओगे, जितना आप मर्जी फास्ट जाओ, उतना ही सेफ, उतना ही कनेक्टेड, उतना ही प्लांटेड ये गाड़ी एक ड्राइव फील देगी। काफ़ी सेफ, एक रीअश्योरिंग इस गाड़ी का एक ड्राइव फील है। ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द न्यू किया कार्निवल। किया कार्निवल के प्राइसिंग इज एट 67 लाख, जो कि 77 लाख के अराउंड आते हैं ऑन रोड मुंबई। बिट प्राइसी अगर आप मुझे पूछे तो, लेकिन किया टारगेट कर रहा है पॉलिटिशियंस को, बिजनेसमैन को, एक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के ओनर्स को, द हुज हु ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अगर आपको अलग दिखना है, अगर आपको क्राउड से अलग जाना है, यू वांट टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, तो किया कार्निवल इज़ फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऑफिस चाहिए ऑन व्हील्स, यू वांट अ वन रूम किचन ऑन व्हील्स, कंफर्ट है इसमें, आपको फीचर्स दे रहे हैं, आपको टेक फीचर्स दे रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स है, एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक कंपोनेंट, एक इसका एक हैवी ड्यूटी इंजन है। ये गाड़ी सीकेडी आती है, तो इसका जो क्वालिटी है, जो बिल्ड है, वो भी काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी में भी आ गई है ये गाड़ी। ये गाड़ी कॉम्पीट तो नहीं करती किसी की गाड़ी के साथ में, फॉर नाउ देयर इज नो कॉम्पिटिशन फॉर द न्यू किया कार्निवल। लेकिन इसके नीचे आता है टोयोटा का जो हाई क्रॉस है, और जो इसके ऊपर है वो है टोयोटा का वेलफायर। ये बीच में प्लेस हुई हुई है। फॉर नाउ दिस इज द बेस्ट कार टू गेट इन दिस प्राइस सेगमेंट फॉर दिस। ये है किया की न्यू कार्निवल। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंगलोर। डू शेयर दिस वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर कोई चाहता है ऐसी गाड़ी, ऐसा नहीं चाहता है तो भी आप अपने दोस्तों में ये गाड़ी का जो रिव्यू है उसको फॉरवर्ड कीजिए, अपना प्यार देते रहिए। डू सेंड अस योर ब्लेसिंग्स एंड लेट अस नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैंगलोर विद द न्यू किया कार्निवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।